हाय गाइस, नादिर सिद्दीकी हियर। आज की इस न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि अभी 3 दिन पहले मैंने आईफोन एक्सेस का लॉन्ग टर्म रिव्यू डाला था, एंड उस रिव्यू के अंदर मैंने कहा था कि बहुत जल्दी पबजी का भी रिव्यू आएगा। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग आईफोन एक्सेस में पबजी रिव्यू करने वाले। गाइस, मैंने पबजी कोरियन वाला वर्जन डाउनलोड करा है, BGMI अभी नहीं आया है। अगर BGMI आता है, अगर आप बोलेंगे, तो उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पर पबजी कोरियन वाला इंस्टॉल कर लिया है, कोरियन वाली ही आईडी है, एंड इसमें हम गेम प्ले करेंगे। यही मैं बात करूं आईफोन एक्सेस के प्रोसेसर की, तो मैं आपको बता दूं, इसमें आपको बायोनिक की A12 चिप देखने को मिल जाती है, एंड 4GB की रैम मिल जाती है। अब देखते हैं ये कैसा परफॉर्म करता है। इस वीडियो में हम लोग ग्राफिक सेटिंग भी देखेंगे, चार्ज करके भी फ़ोन चलाकर देखेंगे कहीं लैग तो नहीं हो रहा, एंड अलग अलग तरीके से इसको टेस्ट करेंगे। गाइज, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड बेल आइकन भी दबा दें। मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल पर डालता रहता हूँ। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पबजी टेस्ट इन आईफोन एक्सेस। गाइज, जैसा कि आप देख सकते हैं, आईफोन एक्सेस में 33 सेकेंड में पबजी ओपन हो जाता है। यही मैं अगर बात करूँ ग्राफिक सेटिंग की, तो आपको HDR पे एक्सट्रीम वाला ऑप्शन इनेबल मिलेगा, एंड अल्ट्रा HD वाला भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ग्राफिक सेटिंग में आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी, आराम से 60 FPS वाली आप गेमिंग कर सकते हैं। यही मैं बात करूँ iPad mini की, तो आप उसमें बैलेंस पे एक्सट्रीम ही खेल पाते हैं, यहाँ पर आपको हायर सेटिंग मिल जाती है। गाइज, यहाँ पर सबसे पहले TDM ओपन कर देख लेते हैं, देखते हैं आपको कैसी परफॉर्मेंस मिल जाएगी। आप यकीन नहीं मानेंगे, जैसे ही मैंने गेम ओपन करा, जैसा एंड्रॉइड फोन्स में लगता है थोड़ा सा लैग आता है स्टार्टिंग में, वैसा आईफोन एक्सेस में आपको देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा। काफ़ी अच्छी तरीके से गेम लोड हो जाता है, एंड ऐसा कोई भी मेजर इशू नहीं मिलता है। गाइज, यहाँ पर आईफोन में गेम खेलने की बात ही अलग होती है, काफ़ी शानदार आपको एक्सपीरियंस मिल जाता है। बस यहाँ पर आपको स्क्रीन साइज में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आईफोन एक्सेस की जो स्क्रीन है वो थोड़ी आपको छोटी देखने को मिल जाती है, लेकिन जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी आपको देखने को मिल जाएगी। TDM में तो आपको कोई भी लैग देखने को नहीं मिलेगा, भले ही कितने TDM खेल लें। यहाँ पर बहुत अच्छी स्मूथ परफॉर्मेंस मिलती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। गाइज, यहाँ पर लगभग मुझे 10 से ज़्यादा मिनट हो गए, एंड एक बार भी फ्रेम ड्रॉप नहीं हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। एंड एंड्रॉइड्स में इतनी देर में 2, 4, 5 या 10 फ्रेम ड्रॉप तो हो ही जाते हैं। यहाँ पर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको आईफोन एक्सेस में मिल जाती है। गाइज, यही मैं बात करूँ बैटरी की, तो बैटरी में भी आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बैटरी यहाँ पर ड्रेन होती है। एंड गाइज, यहाँ पर TDM खेलने के बाद, 2 TDM खेलने के बाद बैक साइड थोड़ा गर्म हो गया था, क्योंकि इसमें आपको ग्लास बैक देखने को मिल जाता है। एंड गाइज, यहाँ पर एक दिक्कत हो रही थी, बार बार इसकी जो ब्राइटनेस है वो कम हो रही थी। मैंने उसको अंदर से जाके भी ऑटो ब्राइटनेस वाले ऑप्शन को बंद कर दिया, फिर भी इसमें ऐसा हो रहा था। मेरे और डिवाइस में तो ऐसा नहीं होता है। अगर आपको इसके बारे में कुछ आइडिया है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर से बताइएगा। यहाँ पर जो ब्राइटनेस है वो अपने आप डाउन हो रही थी, शायद हो सकता है कि प्रोसेसर पर ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा हो, उसके कारण सॉफ्टवेयर के थ्रू ब्राइटनेस को कम करा जाए, ताकि आईफोन पे ज़्यादा हीट या फ़र्क ना पड़े, जिससे फ़ोन डैमेज होने से बचता है। गाइज, यहाँ पर अब हम लोग एक क्लासिक मैच खेलकर देखेंगे, एंड फ़ोन को चार्ज पर भी लगाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं 26% बैटरी है अभी, एंड देखते हैं गेम प्ले के बाद कितनी बैटरी आपको देखने को मिल जाएगी।
की। गाइज यहाँ पर स्टार्टिंग में तो गेम बहुत काफ़ी अच्छा चल रहा है, आप जैसा कि देख सकते हैं। गाइज़ यहाँ पर अगर आप बैलेंस पे एक्सट्रीम खेलते हैं तो आपको फ्रेम ड्रॉप देखने को मिल जाएंगे, और चार्ज पे लगाते हैं तो भी आपको फ्रेम ड्रॉप मिल जाएंगे। इसलिए आई सजेस्ट कि आप स्मूथ पे एक्सट्रीम खेलें, एंड अगर आप चार्जिंग पे लगाकर खेलते हैं तो आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना होगा, फ़ोन हीट होने लगता है। एंड यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेम ड्रॉप आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। गाइज हो सकता है ये कोरियन वर्जन है, इसमें आपको ऐसा इसलिए देखने को मिल रहा है। BGMI में हम इसको एक बार और कंफर्म करके मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट में या ट्विटर पर या इंस्टाग्राम पर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि आपको उस टाइम पे कैसी परफॉर्मेंस मिल जाती है। यहाँ पर अगर आप TDM खेलते हैं इसमें तो आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी, एंड अगर आप क्लासिक मैच खेलते हैं तो स्मूथ एक्सट्रीम खेलें, एंड चार्जिंग पे लगाकर खेलते हैं तो आपको थोड़ा देखकर खेलना पड़ेगा क्योंकि हीट होने के कारण आपको फ्रेम ड्रॉप इसमें देखने को मिल जाएंगे। गाइज यहाँ पर ओवरऑल कंक्लूजन की बात बताऊँ तो अभी तक मैंने जितने भी मोबाइल टेस्ट करे, इससे पहले मैंने OnePlus Nord 2 में भी PUBG गेमिंग टेस्ट करा था, उसमें भी मुझे फ्रेम ड्रॉप देखने को मिले थे, एंड यहाँ पर मुझे काफ़ी स्मूथ परफॉर्मेंस देखने को मिली है। एप्पल में गेमिंग की बात ही अलग होती है, अगर आप इसमें गेमिंग करने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, बस आपको थोड़ी चीज़ें ध्यान में रखनी होगी, बैटरी को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, एंड जो डिस्प्ले वो थोड़ा आपको छोटा मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है, जो गेम प्ले में मज़ा आता है वो अलग ही लेवल का होता है। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें, एंड बेल आइकन भी दबा दें। कुछ भी डाउट हो डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।